श्री राहुल गांधी जी द्वारा जिस प्रकार देश के 120 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया गया, भारत की सबसे बड़ी पंचायत हमारी पार्लियामेंट के अंदर हिंदुओं को आतंकवादी घोषित किया गया, बहुत निंदनीय है। वो हिंदू जो केवल सहिष्णु नहीं है, अति सहिष्णु है, वो हिंदू जो प्राणी मात्र की पूजा करता है, वो हिंदू जो पेड़ पौधे चींटी पक्षी हर किसी की पूजा करता है, वो सूर्य की पूजा करता है, वो हिंदू जो हर व्यक्ति में प्रभु की आत्मा को देखता है, वो हिंदू जो सारे विश्व के कल्याण की बात करता है, जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामय, सारी दुनिया की सुख की बात करता है, उसको आतंकी कहना, ये और कांग्रेस पार्टी की नियत और नीति उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। लगातार पूरे चुनाव के अंदर 2024 के चुनाव में पूरे देश में जिस प्रकार से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति चली, और ये हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कह डाला 97% हिंदुओं को हरा करके मैं मुख्यमंत्री बना हूं, और उप मुख्यमंत्री श्री अग्निहोत्री जी ने नालागढ़ में हिंदुओं को गाली दे डाली। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश का कांग्रेसी भी देश के कांग्रेसियों से अलग नहीं है, पूरा हिंदू समाज इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है, और हिंदू को आतंकवादी कहना, हिंदू को असत्य झूठ इस प्रकार के शब्दों के साथ कहना, और वो भी और संसद के अंदर कहना, ये किसी भी प्रकार से सहन नहीं होगा। पूरा हिंदू और अपनी इस भावना के प्रति और सुदृढ़ है, इसके लिए राहुल गांधी जी को, हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी को माफी मांगनी चाहिए।